कानपुर में तीसरे चरण में विधानसभा का चुनाव है। पोलिंग पार्टियों ने घर घर जाकर 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों व दिव्यांगों का वोट डलवाया। इन मतदाताओं ने ठाट से घर में चारपाई और कुर्सी पर बैठकर मतदान किया। चल फिर पाने में असमर्थ मतदाताओं ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया की बड़ी तारीफ की। कहा, मतदान बूथ खुद उनके घर चलकर आया है, वरना वे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने में रह जाते। पहले दिन कुल 328 मतदाताओं ने वोट डाला। जिले के सभी 10 विधानसभा से 991 बुजुर्ग और दिव्यांगों ने घर से मतदान करने की हामी भरी थी। इसके बाद सही शुक्रवार से मतदान शुरू हुआ। यह प्रक्रिया 14 फरवरी तक चलेगी। प्रत्येक विधानसभा में 2 पोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं। पोलिंग पार्टी मतदाता के घर पहुंची, मतदान का तरीका बताया, इसके बाद बैलेट पेपर दिया। मतदाताओं ने अपने प्रत्याशी के नाम के आगे टिक किया और बैलेट पेपर को मोड़कर लिफाफे में डाल दिया। मतदान कर्मियों ने उन्हीं के सामने लिफाफे को बंद कर मत पेटी में डाल दिया। पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की गई। जैसा कि आप अवगत हैं, पूर्व से सूचना थी कि पोस्टल बैलेट से मतदान जो 80 प्लस से अधिक उम्र के हैं और दिव्यांग जन हैं उनके लिए सहमति प्राप्त की गई थी। दोनों को मिलाकर के 991 लोगों ने अपनी सहमति दी थी पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए। वो 13 तारीख तक 4 दिन तक पोस्टल बैलेट से मतदान होगा। पर विधानसभा में 2 टीमें का जो है गठन किया गया है और ये 2 टीमें घर घर जा कर के उनका मतदान कराएंगी और सकुशल मतदान करने के बाद जो भी बैलेट पेपर आएगा वो लिफाफे हम लोग ट्रेजरी में उसको सुरक्षा में रखवा देंगे। ये 10 विधानसभा यहाँ पर हैं, कितने दिव्यांगों को चिन्हित किया गया? दिव्यांग लगभग 23,000 के आसपास में है, लेकिन हमारी जो संख्या आई हुई है 991 लोगों ने दिव्यांग प्लस 80 प्लस से अधिक लोगों ने 991 लोगों ने मतदान देने के लिए अपनी सहमति प्रदान किया था पोस्टल बैलेट से। डिप्टी डीओ कानपुर नगर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।